हेलो गाइज, इस वीडियो में एक्सिस की ज़बरदस्त स्कीम रिव्यू करने वाले हैं, जिसके अंदर मात्र 15,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करने पर आपको रिटर्न मिलेगा 1,95,00,000 रुपये का। साथ ही दोस्तों, यहां पर 8,500 रुपये की एक फिक्स मंथली इनकम होती रहेगी अगले 30 सालों तक। और जो पैसे दोस्तों आप लमसम निवेश करेंगे, वो भी आपको यहाँ पर कई गुना है जो बढ़कर मिलेंगे। इसमें जो आपको 8,500 रुपये की मंथली इनकम मिलेगी, उसके जरिए आप अपने मंथली खर्चों को है जो ईजिली पूरा कर पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, फ्यूचर के लिए एक बड़ा फंड भी तैयार कर पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको तीन कंसेप्ट है जो दिखाने वाला हूँ, जिसमें पहला, अगर आपके पास कम पैसे हैं यानी 15,000 रुपये तक का अमाउंट है, तो उसको आप इन्वेस्टमेंट करके 95,00,000 रुपये का फंड बना सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर अगर आप हर महीने अपनी इनकम में से सिर्फ 550 रुपये बचत करके इन्वेस्टमेंट करते हैं मंथली, तो फिर आपको 1,06,36,000 रुपये का जो फंड मिलेगा। और तीसरा, यहाँ पर आपको सिर्फ एक बार एक लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना है, उसके बाद दोस्तों घर बैठे हर महीने यहाँ पर 8,500 रुपये की फिक्स मंथली इनकम होती रहेगी, और वो भी दोस्तों अगले 30 सालों तक। दोस्तों, हमारे देश में इन्वेस्टमेंट के नाम पर आप में से ज़्यादातर लोग बैंक FD में निवेश करते हैं, जहाँ पर आपको मैक्सिमम 7 से लेकर 8% तक का ही जो रिटर्न मिल पाता है, और उस रिटर्न के जरिए आप अपनी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। इसलिए दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में लोगों का जो इंटरेस्ट है वो ऐसी स्कीम में है जो इन्वेस्टमेंट पर बढ़ रहा है, जहाँ पर कम पैसे निवेश करके एक मंथली इनकम के साथ साथ में एक बड़ा फंड तैयार हो पाए। तो अगर आपके पास यहाँ पर कम पैसे भी हैं और उस पैसे से एक बड़ा फंड तैयार करना चाहते हैं, तो दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। सबसे पहले हम दोस्तों इस स्कीम के जो रिटर्न्स हैं उनको देख लेते हैं। तो एक्सिस की दोस्तों ये स्कीम जब से शुरू हुई है, तब से लेकर ऑल टाइम एवरेज 24.64% का जो रिटर्न दिया है। लास्ट 5 ईयर में 23.86% के, जबकि पिछले सिर्फ 3 साल में 33.46% के रिटर्न दिए हैं। वहीं यहाँ पर लास्ट सिर्फ 1 साल की बात करें तो 22.91% का जो रिटर्न प्रोवाइड कराएं। दोस्तों, एक्सिस के इस फंड का नाम है एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, जो कि एक म्यूचुअल फंड प्लान है। इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं। पहला, SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके जरिए दोस्तों आप मंथली थोड़ा थोड़ा पैसा निवेश कर सकते हैं, जिससे आपको एक बड़ा फंड मिलेगा। दूसरा, यहाँ पर लमसम, इसमें आप एक बार पैसा लगाकर एक फिक्स टाइम के लिए छोड़ते हैं, तो आपको यहाँ पर हाईली रिटर्न मिलता है। तीसरा है SWP प्लान, यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, जिसमें आप एक बार इन्वेस्टमेंट करके एक फिक्स मंथली इनकम ले सकते हैं फिक्स टाइम के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों, सबसे पहले हम इस फंड के तीनों कॉन्सेप्ट की कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, उसके बाद इसके जो बेसिक फीचर्स है वो देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की कैलकुलेशन देख लेते हैं। इसमें अगर आप हर महीने सिर्फ 550 रुपये की SIP या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिटर्न हम दोस्तों एक्सपेक्ट करते हैं 24% का, जो कि दोस्तों इसका ऑल टाइम एवरेज रिटर्न है। तो यहाँ पर 5 साल के टाइम पीरियड में देखें तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो 33,000 का, जिस पर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 30,983 रुपये का, यानी 5 साल बाद टोटल आपको 63,983 रुपये मिलेंगे। यहाँ पर दोस्तों, किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में जितना आप लॉन्ग टाइम के लिए निवेश करेंगे, रिटर्न आपको उतना ही है जो हाई मिलेगा। तो अगर हम दोस्तों 10 साल के टाइम पीरियड की बात करें, तो आपके 550 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट के जरिए जो टोटल निवेश होगा वो 66,000 रुपये का, जिस पर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 2,07,913 रुपये का, यानी टोटल मिलाकर 10 साल बाद आपको 2,73,913 रुपये का फंड मिलेगा। वहीं इसको अगर आप 20 साल तक हर महीने इन्वेस्टमेंट करते हैं 550 रुपये, तो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट होगा 1,32,000 रुपये का, जिस पर दोस्तों एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 30,90,629 रुपये का, यानी 20 साल में टोटल आपके पास 32,22,629 रुपये का फंड होगा। वहीं अगर आप मात्र 550 रुपये हर महीने 25 साल तक निवेश करते हैं, तो 25 साल में टोटल आपका जो पैसा इन्वेस्टमेंट होगा वो 1,65,000 रुपये, जिस पर एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 1,04,72,528 रुपये का, यानी 25 साल बाद आपके पास 1,06,37,528 रुपये का जो एक बड़ा फंड होगा। वहीं अगर आप में पेशेंस है, अगर आप 30 साल तक 550 रुपये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर जो दोस्तों रिटर्न मिलेगा टोटल मिलाकर वो 3,49,66,000 रुपये का एक बहुत ही बड़ा अमाउंट मिलेगा, अगर आप 30 साल तक लगातार हर महीने 550 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। अब यहाँ पर दोस्तों आप चाहें तो मंथली 1,000, 2,000, 5,000 या फिर जितने आपकी इनकम है, बजट है, उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरे पॉइंट यानी लमसम की, उसके बाद मंथली इनकम की कैलकुलेशन देखेंगे।
तो यहाँ पर अगर आपके पास मात्र 15,000 रुपये ज़्यादा अमाउंट नहीं है, सिर्फ 15,000 रुपये है, तो उसको दोस्तों एक बार यानी कि लमसम इन्वेस्टमेंट करके आप छोड़ देते हैं। रिटर्न हम दोस्तों सेम एक्सपेक्ट करते हैं 24% का, तो 10 साल के टाइम पीरियड में आपको यहाँ पर 1,28,916 रुपये का रिटर्न मिलेगा। वहीं दोस्तों अगर 20 साल तक अगर आप 15,000 रुपये निवेश करके छोड़ देते हैं तो आपके 15,000 रुपये की फाइनल वैल्यू बढ़कर 11,07,962 रुपये हो जाएगी। दोस्तों 25 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो आपके मात्र 15,000 रुपये के निवेश पर 32,48,130 रुपये का जो आपको रिटर्न मिलेगा। और वहीं अगर आप लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से 15,000 रुपये लगाकर अगले 30 साल तक छोड़ देते हैं तो फिर आपके पास यहाँ पर जो आपके 15,000 की फाइनल वैल्यू वो बढ़कर 95,22,293 रुपये हो जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों आप चाहें तो 20,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 या फिर इससे भी ज़्यादा अमाउंट आप अपने बजट और इनकम के अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टमेंट करके एक हाई रिटर्न ले सकते हैं। बात करें दोस्तों हमारे तीसरे पॉइंट यानी कि SWP प्लान की, जो कि मंथली इनकम स्टार्ट करने का ऑप्शन है, तो इसके लिए आपको एक फिक्स लमसम अमाउंट वन टाइम यानी कि एक बार निवेश करना होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, सिर्फ 5,00,000 रुपये हैं और उसको इन्वेस्टमेंट करके उस पर 8,500 रुपये का एक फिक्स मंथली पे आउट चूज़ करते हैं। रिटर्न हम सेम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 24% का। तो इस प्रोसेस को दोस्तों अगर आप 5 साल तक करते हैं तो इस टाइम पीरियड में दोस्तों 8,500 रुपये मंथली इनकम के हिसाब से आपको 5,10,000 रुपये का जो टोटल विड्रॉल मिल जाएगा। और जो आपके 5,00,000 रुपये हैं जो आपने लमसम निवेश किया था 5,00,000 रुपये, वो भी यहाँ पर बढ़कर 5,58,073 रुपये हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों जो आपको विड्रॉल मिलेगा वो आपका इंटरेस्ट के रूप में होगा और साथ ही आपका जो लमसम पैसा है वो अलग से आपका ग्रो होता रहेगा। अब अगर हम दोस्तों 10 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो आपको 8,500 रुपये मंथली इनकम के हिसाब से 10,20,000 रुपये का विड्रॉल मिल जाएगा और आपके 5,00,000 रुपये की फाइनल वैल्यू बढ़कर यहाँ पर 7,28,321 रुपये हो जाएगी। जबकि अगर हम 15 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो 8,500 रुपये मंथली इनकम के जरिए टोटल आपको 15,30,000 का जो विड्रॉल मिल जाएगा और आपके 5,00,000 रुपये बढ़कर 12,27,426 रुपये हो जाएंगे। वहीं यहाँ पर दोस्तों 20 साल की बात करें तो 8,500 रुपये मंथली इनकम के जरिए 20,40,000 का जो आपको विड्रॉल मिल जाएगा और आपके 5,00,000 रुपये बढ़कर 26,90,000 रुपये हो जाएंगे। वहीं यहाँ पर 25 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो हर महीने 8,500 रुपये मंथली इनकम के हिसाब से टोटल आपको 25,50,000 का जो विड्रॉल मिल जाएगा, जबकि आपके 5,00,000 रुपये बढ़कर 69,80,128 रुपये हो जाएंगे। वहीं दोस्तों लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप 5,00,000 रुपये लगाकर अगले 30 साल तक छोड़ देते हैं और ये फंड दोस्तों 24% का रिटर्न है वो मेंटेन करके रखता है, तो इस टाइम पीरियड में आपको यहाँ पर 8,500 रुपये मंथली इनकम के हिसाब से टोटल 30,60,000 रुपये का जो विड्रॉल मिल जाएगा, जबकि आपके मात्र 5,00,000 रुपये की फाइनल वैल्यू बढ़कर 30 साल बाद 1,95,55,378 रुपये हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको तीनों कंसेप्ट की जो कैलकुलेशन है वो कंप्लीट बता दी है। इसके अलावा आप इन तीनों कंसेप्ट में से कौन से कंसेप्ट में जो कितना अमाउंट जमा करना चाहते हैं वो आप कमेंट करके जरूर बताएं, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। अब कैलकुलेशन के बाद में दोस्तों यहाँ पर फंड की जो बेसिक फीचर्स हैं उसको देख लेते हैं। तो इसका जो टोटल फंड साइज है वो यहाँ पर 15,025 करोड़ रुपये लोगों ने इस फंड में जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इस फंड की रेटिंग 5 स्टार है। वहीं इंपॉर्टेंट बात करें यहाँ पर होल्डिंग्स की, तो टॉप कंपनी के अंदर दोस्तों चोलामंडलम फाइनेंस, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज, ब्लू स्टार जैसे टोटल 83 स्टॉक्स में जो पैसा निवेश किया गया है। इक्विटी सेक्टर एलोकेशन वाइज देखें तो कंस्ट्रक्शन में दोस्तों सबसे ज़्यादा पैसा 16.9%, फाइनेंशियल सेक्टर में 13.9%, हेल्थ केयर में 13.3% और केमिकल्स के अंदर 12.5% पैसा वो इन्वेस्टमेंट किया गया है। इस फंड में दोस्तों मिनिमम आप 500 रुपये की SIP और 5,000 रुपये लमसम है जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बात करें फंड के एक्सपेंस रेशियो यानी इस फंड के खर्चे की, तो वो यहाँ पर 0.54% का है। एग्जिट लोड यहाँ पर 1% है अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो। वहीं म्यूचुअल फंड में टैक्स की बात करें तो अगर आप 1 साल से पहले पैसा विड्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पर 15% टैक्स है वो देना होता है, जबकि अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं और आपको 1,00,000 रुपये से ज़्यादा का प्रॉफिट होता है, इनकम होती है, तो आपको यहाँ पर 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो देना होता है। इस फंड को दोस्तों साल 2023 से मैनेज कर रहे हैं सुरेश देवलकर। एक्सिस फंड हाउस की बात करें तो इंडिया में दोस्तों रैंक 7 है इसकी। अगर इसके टोटल AUM की बात करें तो वो यहाँ पर 2,57,150 करोड़ रुपये लोगों ने एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस के साथ अलग अलग स्कीमों के अंदर है जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और ये फंड स्टार्ट हुआ था दोस्तों साल 2009 से। तो यहाँ पर देखा आपने कि कैसे आप मात्र 550 रुपये मंथली सेव करके अगर आप इस फंड के अंदर आने वाले 30 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर समथिंग 1 करोड़ रुपये का जो फंड मिलेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा।
वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही यहाँ पर सेविंग, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस के रिगार्डिंग नई नई वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।